उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी में राष्ट्रीय पोषण अभियान के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की। रेखा आर्या ने कहा कि लैंगिक समानता और शिक्षा की समानता को देखते हुए राज्य सरकार कई विशेष कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार में बेटी के जन्म होने पर उसके परिवार वालों को ये महसूस न हो कि बेटी उन पर बोझ है। इसी को देखते हुए बेटी के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक की सभी योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाने के सवाल पर रेखा आर्या ने कहा कि SIT की टीम को लीड भी एक महिला अधिकारी कर रही है और ये तय है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी टीमें सही दिशा में जांच कर रही हैं और अंकिता भंडारी के आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिस प्रकार से पूरी सरकार ने अंकिता भंडारी के मामले में जितनी भी समय दे समय जो जो चीजें जनभावनाओं के अनुकूल भी और जो जो चीजें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी हो सकती हैं, वो सारे निर्णय लिए हैं। मैं मानती हूं कि इससे पहले इतने त्वरित गति से निर्णय कभी कोई सरकारें नहीं लेती हैं, लेकिन हमारी सरकार ने धामी जी ने लेने का काम किया है। SIT के गठन से लेकर